लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे चना दाल की खीर, और वो भी कोकोनट मिल्क के साथ। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। मैंने एक टीस्पून घी लिया है, और यहाँ पर मैंने काजू के पीसेस, चॉप काजू और बादाम चॉप करके लिया है, आधा कप दोनों मिला के। जस्ट हल्का सा दोनों ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बादाम और काजू के साथ थोड़े चारोली के नट्स भी लिए हैं मैंने। बस अब ये हो चुका है, इसे हम अलग निकालेंगे प्लेट में। ये दाल जो उबाली थी उसका पानी ले रही हूँ, और ये पाव कप चने की दाल मैंने बॉईल करके ली थी, उसको सोक किया था ओवरनाइट और फिर उसे बॉईल किया है। और इसमें एक कप पानी ऐड कर रहे हैं, एक से दो कप। एक कप किसा हुआ गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ को अच्छी तरह से उसमें मेल्ट कर लेंगे। ये 2 टेबलस्पून साबूदाना मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, इसमें ऐड करेंगे अभी गुड़ के पानी में। गुड़ अब अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये मैंने एक टीस्पून चावल का आटा पाव कप पानी में घोल के ऐसे उसकी पेस्ट बना ली है। ये पेस्ट हम अभी ऐड करेंगे, इससे एक थिकनेस मिलता है खीर में। साबूदाना और जो राइस की पेस्ट ऐड की थी उसके वजह से अच्छी तरह थिक हो चुका है खीर का मिक्सचर। अभी इसमें फ्राइड नट्स जो हमने किए थे वो ऐड करेंगे, थोड़ा गार्निश के लिए रखूंगी मैं। इसमें अब 1 पिंच जायफल का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर थोड़े शक्कर के साथ पीस लिया था मैंने। और ये 1 नारियल का दूध एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया है, थिक वाला दूध है। कोकोनट मिल्क ऐड करने से अच्छा कोकोनटी फ्लेवर और क्रीमी फ्लेवर आएगा। मैंगलोर में ये बहुत ही पॉपुलर डिश है, फीस के दिन बनाया जाता है। दूध डालने के बाद ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, नहीं तो वो फट सकता है। इसमें 1 पिंच अभी नमक डाल रहे हैं, नमक से फ्लेवर अच्छा आ जाता है। चना दाल कोकोनट खीर को मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है।
इसे मैं बचे हुए ड्राई फ्राइड नट्स से गार्निश करूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है, पर जैसे ये ठंडा होगा ये और ज़्यादा थिक होगा, इसलिए ज़्यादा थिक नहीं किया है मैंने। चना दाल कोकोनट पायसम रेडी हो चुका है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। ओनम और फीस्ट के लिए ये स्पेशली आज बनाया जाता है। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। हैप्पी ओनम एंड हैप्पी फीस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स।